वेलकम माय डियर रॉकर्ट आज हम देखने वाले हैं लिटिल मिस रॉथर मूवी की शुरुआत में हमें अभिजीत को दिखाया जाता है जो कि फिल्म बनाने के लिए कहानी लिखने की कोशिश कर रहा है पर इस दौरान उसे आ जाती है अपनी गर्लफ्रेंड नैना की याद और फिर चाह भी अभिजीत आगे एक शब्द भी नहीं लिखना चाहता ये हम साफ देख सकते हैं कि अभिजीत नैना को याद करके बहुत दुखी है इसी के साथ अभिजीत नैना की यादों में खो जाता है और कहानी जाती है छह साल और सात महीने पीछे जब अभिजीत कॉलेज में था उस वक्त उसका थर्ड ईयर था और तभी नैना ने कॉलेज में एडमिशन लिया था उसका पूरा नाम था नैना रौथर और साथ ही वो मुस्लिम है अब उसे पहली बार देखते ही अभिजीत तो उसे पसंद करने लगा था जो बात अभिजीत के दोस्तों को पता चल जाती है यह दोस्तों आपको बता दूं एक और बात थी हाइट में अभिजीत तो ठीक था लेकिन नैना की हाइट बहुत ही कम थी इस कारण इनकी जोड़ी सबसे अलग थी अब नैना फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी तो अभिजीत के दोस्त एक दिन नैना की रैगिंग कर लेते हैं नैना को ये टास्क देते हैं कि नैना को अपने माथे की बिंदिया अभिजीत के माथे पर बिना हाथ के इस्तेमाल किए लगानी होगी अब ये सुनकर अभिजीत छोटी सी नैना को अपने हाथों में उठाकर ये काम करवा लेता है जो कि नैना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अब अभिजीत को पता चलता है कि नैना को मूंगफली के छिलके बहुत अच्छे लगते हैं और फिर हर लड़के की तरह अभिजीत नैना को इम्प्रेस करने की कोशिश में लगा होता है वो उसके लिए रोज कुछ ना कुछ लेकर आता है यह दोस्तों मैं आपसे बताना भूल गया अभिजीत का उसकी माँ के सिवा अपना कोई नहीं है उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे तब से अब तक अभिजीत की माइक सुपर मार्केट में काम करके घर का खर्चा चलाती है जिस कारण अभिजीत काफी गरीब था और वही नैना एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी इसलिए उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए अभिजीत अपने दोस्तों के कपड़े बदल बदल कर पहनना चाहता था ताकि उसको ये लगे कि अभिजीत भी बहुत अमीर है साथ ही वो अपने दोस्तों के पैसे लेने के साथ उनसे बाइक वगैरह भी लेकर आ जाता था अब नैना आखिरकार अभिजीत को एक दिन हाँ कर देती है और यहाँ से इनकी लव स्टोरी हो जाती है शुरू दोनों साथ में काफी समय बिताते हैं घूमते हैं फिरते हैं यहाँ तक कुछ यादें भी बनाते हैं जो कि उन्होंने अपने फोन में कैद की होती है जिसे आज भी अभिजीत देखकर नैना को याद करता है अब कॉलेज में प्लेसमेंट हो रही थी तो उसके लिए अभिजीत ने भी अपना नंबर लगवाया था ये चीज जब नैना देखती है तो उससे पूछती है तुम प्लेसमेंट क्यों दे रहे हो अभिजीत कहता है क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया अब आगे हम शादी करेंगे तो फिर मैं तुम्हें कैसे पालूंगा बिना नौकरी के इसलिए तो प्लेसमेंट बैठा हूँ अब नैना जानती थी कि अभिजीत का इंटरेस्ट फिल्म मेकिंग में है तो वो उसे उस पर ध्यान देने को कहती है ना कि नौकरी करने को उसका कहना होता है कि अगर तुम सफल हुए तो घर इससे भी काफी अच्छी तरह से चल जाएगा ये बात सुनकर अभिजीत काफी खुश होता है इसी के साथ कहानी आती प्रेजेंट में जहां हम अभिजीत को देखते हैं जो अपने दोस्त अरुण के साथ संतोष नाम के एक दूसरे दोस्त की पार्टी में जाता है जहाँ पर संतोष नशे में अभिजीत के रिलेशनशिप का मजाक भी बनाता है क्योंकि एक दिन बाद नैना की किसी और के साथ अब शादी होने वाली है दूसरी ओर नैना के घर में जोरों शोरों से उसकी शादी की तैयारियां चल रही होती है नैना का होने वाला पति शाफिक काफी बड़ा आदमी था उसकी सैलरी छह फिगर में थी यही वजह थी कि नैना के पिता शाफिक को दहेज में अस्सी लाख रुपए देने वाले थे अब शाफिक के यहाँ से नैना के लिए कपड़े और जूते आ जाते हैं जिन जूतों को जैसे ही नैना पहनने के लिए जाती है छोटा होने की वजह से नैना उसे ठीक से पहन नहीं पाती और फिर वो शाफिक से फोन करके कहती है कि मैंने तुम्हें अपने जूतों का नंबर दिया था फिर भी तुमने छोटे जूते बनवा दिए शाफिक भी कहता है कि यार मेरे पेरेंट्स ने शॉपिंग की थी थोड़ा एडजस्ट कर लो अब भला जो चीज आपको फिट ही नहीं आ रही है उसको भला कैसे एडजस्ट कर ले हैं फिलहाल नैना को भी पता चल जाता है कि उसके पिता इस शादी में अस्सी लाख दहेज दे रहे हैं पर वो कुछ नहीं कर सकती थी यहाँ वो उन पलों के बारे में सोचने लगती है जब वो पहली बार अभिजीत सेंटिमेट हुई थी इसके बाद हमें अभिजीत को दिखाया जाता है जो की काफी ज्यादा नशे में है अब क्योंकि इस हालत में वो घर नहीं जा सकता इसलिए अरुण उसे अपने घर लेकर जाता है जहाँ पर हम अरुण की बीवी को देखते हैं जो कि रात में घर से काम करती है यानी कि वर्क फ्रॉम होम इसलिए रात में बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी अरुण की होती है तो अरुण अपने बच्चे और अभिजीत के साथ ऊपर कमरे में चला जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि अरुण ने वहाँ पर गांजा छिपा कर रखा है जिससे वो और अभिजीत दोनों मिलकर पीते हैं अब जो अभिजीत पहले से नशे में था वो और भी ज्यादा नशे में हो जाता है हाँ काफी कॉमेडी भी होती है यहाँ पर बाकी बच्चे की बात करें तो अरुण उसको सुला देता है फिर ये काफी सारी बहकी की बातें करते हैं इसी बीच नैना अभिजीत को कॉल करती है और उससे पूछती है कि तुम कैसे हो और क्या कर रहे हो लेकिन अभिजीत तो इतने नशे में होने के बाद भी समझ गया था कि नैना को शादी की टेंशन हो रही है वो कन्फ्यूज है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए इसलिए ब्रेकअप होने के बाद भी अभिजीत नैना से कहता है कि टेंशन बिल्कुल मत लो बल्कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और अपनी लाइफ को इंजॉय करो अब यही सब बातें करने के बाद अभिजीत बाहर आता है तो उसका दोस्त और उससे पूछता है कि नैना से क्या बात हुई वो तेरे साथ भाग रही है या तुझे अपनी शादी में मटन बिरयानी खाने के लिए बुला रही है इस पर अभिजीत याद करने लगता है तो उसे याद आता है कि नैना ने आखिर में अभिजीत को अपने घर के बाहर आने के लिए कहा था यह सुनते ही अरुण कहता है कि वाह भाई नैना अपनी जिंदगी शुरू करने से पहले तेरे साथ कुछ करना चाहती है फिर वो अभिजीत को कुछ कपड़े पहनने के लिए देता है और साथ ही अपने ससुर की पुरानी कार भी उसको दे देता है यहाँ में दिखाया जाता है कि जब अभिजीत दूसरे शहर में अपनी फिल्म मेकिंग करने के सपने के स्ट्रगल को कर रहा था तब एक बार नैना उससे मिलने आई थी पर अभिजीत बिजी होने की वजह से उससे मिल नहीं पाया था फिर जब अभिजीत को एहसास होता है तो वो खुद नैना से मिलने उसके हॉस्टल आ जाता है जहाँ दोनों साथ में रहते हैं असल में में नैना एक कोएड हॉस्टल रहती है तो वहां पर सभी चल जाता है दोनों उस वक्त काफी हंसी खुशी पल में थे वहीं इधर प्रेजेंट में नैना अपना बैग लेकर घर के बाहर इंतजार कर रही होती है अभिजीत अभी तक नहीं पहुंचा इस बीच नैना दो शराबियों को आते हुए देखती है तो वो वहीं बगल में छिप जाती है अब जहां नैना छिपी होती है वहीं पर उनमें से एक शराबी टॉयलेट कर रहा होता है जिससे नैना का पैर ही गंदा हो जाता है और वो उस शराबी के सामने आ जाती है अब इस तरह बीच रात एक लड़की को देख कर वो बेचारा तो डर कर भाग जाता है इसी बीच वहां पर अभिजीत आता है जो की नैना को अपने पैर वगैरह धोते हुए देख कर, उसे अलग तरह से इमेजिन करता है दोस्तों यहाँ अभिजीत नशे में था तो कई ऐसी चीजें करेगा जिनका कोई मतलब नहीं होगा पर वो बहुत ज्यादा फनी होंगी यहाँ नैना के स्लीपर गंदी हो जाती है तो अभिजीत उसे अपने स्लीपर पहनने को देता है और खुद नंगे पैर रहता है पर इसके जवाब में नैना देर से आने के लिए अभिजीत को एक जोर का किक लगाती है अब यहाँ इतना जोर से तो नैना ने मारा नहीं था जितना की ये चिल्ला रहा है जब नैना उसे देखने आती है तो वो हंसने लगता है क्योंकि वो मजाक कर रहा था फिलहाल ये लोग अपना सफर शुरू करते हैं लेकिन अभिजीत तो समझ रहा था नैना उसके लिए नहीं बल्कि इस शादी से भागने के लिए उसके साथ आई थी नैना अभिजीत से बताती है कि मुझे संतोष के फ्लैट पहुंचा दो जो कि यहाँ से 45 मिनट की दूरी पर है मैं वहां सुबह छह बजे तक सोंगी फिर निकल जाऊंगी एयरपोर्ट के लिए और पास के शहर में अपनी सहेली के पास चले जाऊंगी फिर दो दिनों तक वहीं रुकूंगी जिस दौरान यहाँ सब शांत हो जाएगा बस फिर क्या पापा से और शाफिक से सॉरी बोलकर वापस आ जाऊंगी बाकी तुम संतोष के घर के बाहर मुझे छोड़कर चले जाना अब यह सब सुनकर अभिजीत उदास हो जाता है और नैना से पूछता है कि इन सब के बीच क्या मैं टॉयलेट ब्रेक ले सकता हूँ नैना जवाब देती है हाँ, बिल्कुल क्यों नहीं ये लोग थोड़ी दूर जाते हैं जहाँ अभिजीत को एक दुकान दिखती है अब उसे बहुत भूख लगी थी तो वो खाने के लिए वहां पर रुक जाता है जिसे खाते हुए देख कर नैना को भी लालच आ जा जाता है और वो भी अभिजीत के साथ बैठ जाती है अब अभिजीत बात बात पर नैना का मजाक उड़ा रहा होता है तो नैना उसे चिढ़ाने के लिए सिगरेट पीती है अब ये देखकर अभिजीत पूछता है कि ये कब से कर रही हो तुम नैना बोलती है शाफिक ने सिखाया मुझे फिर वो खुद गाड़ी भी ड्राइव करने का फैसला करती है जिस दौरान अभिजीत को जलाने के लिए संतोष को कॉल करती है और उससे बड़े प्यार से बात करती है असल में हुआ यह था कि नैना ने बाद में अभिजीत को कई बार कॉल किया था पर उसने फोन नहीं उठाया तब जाकर उसने मजबूरी में संतोष को कॉल किया जो कि अलग ही सपने बुन रहा था संतोष को लग रहा था कि आज उसका और नैना का टाँका बिठ जाएगा इसलिए शायद नैना ने उसे कॉल किया फिलहाल यहाँ नैना अभिजीत को गैर जिम्मेदार बताती है और कहती है कि तुम हमेशा से ऐसे थे फिर अब नैना को कुछ पैड्स की जरूरत होती है तो वो एक दुकान पर रुक जाती है यहाँ एक बहुत ही प्यारा सा सीन देखने को मिलता है नैना थोड़ी छोटी होती है तो वो ऊपर से सामान नहीं पा रही थी ये देख अभिजीत पहले की तरह उसे ऊपर उठाता है और नैना सामान उठा लेती है फिर अभिजीत देखता है कि नैना किसी से छिपने की कोशिश कर रही है असल में यहाँ उसके पिता के दोस्त भी आए हुए थे ये देखकर अभिजीत उनसे जाकर बात करने लगता है वो अंकल तो बस मैदा लेने के लिए आए हुए थे अभिजीत उनसे कहता है कि चलिए आपको मैदे का एक पूरा बोरा दिखाता हूँ यहाँ वो नैना को पकड़वाना चाहता था पर नैना वहां से हट गई थी अब जब अभिजीत गाड़ी में आकर बैठता है तो नैना उसको काफी सुनाती है कि क्या कर रहे थे तुम वो कहती है तुम्हारे लिए हर चीज मजाक है क्या तुम्हें समझ नहीं आता कुछ ये मेरी गलती है कि मैंने ऐसे इंसान पर भरोसा किया जिसके पास आगे का कोई प्लान ही नहीं मौजूद है तुम जो भी करते हो ना बिना सोचे समझे करते हो और इस पर अभिजीत नैना से कहता है कि सोचो सुबह जब तुम्हारे घर वाले उठेंगे और उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटी शादी से भाग चुकी है सोचो उन्हें कितना बुरा लगेगा और कितनी बदनामी होगी उनकी इस पर नैना कहती है कि ये मेरी लाइफ है तो तुम मुझे ना बताओ कि मुझे क्या करना है तुम्हारी इसी ना समझी की वजह से मैंने तुमसे ब्रेकअप लिया था यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा था कि दो लोगों के बीच उस वक्त प्यार खत्म हो जाता है जब उनमें से एक पागल हो जाता है यहाँ में दिखाया जाता है कि कैसे नैना के पिता से उसका हाथ मांगने के लिए आठ महीने पहले अभिजीत गया था नैना के पिता को अभिजीत के फाइनेंशियल स्टेटस या उसके हिंदू धर्म से कोई समस्या नहीं थी वो बस दोनों को साथ में खड़ा करते हैं और कहते हैं कि बताओ तुम्हारी चोड़ी क्या ठीक लग रही है साथ में यहाँ नैना ने अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं माने और साथ ही अभिजीत की फिल्म भी बंद हो गई जिस कारण वो डिप्रेशन में आ गया था और उसने खुद को नैना से दूर कर लिया इस दौरान नैना की मुलाकात शाफिक से हुई ये सारी चीजें हमें स्क्रीन पर ही दिखाई जाती है जल्दी नैना अब संतोष के घर पहुंच जाती है यहाँ अभिजीत नैना से विदा लेकर जा ही रहा होता है कि तभी वो देखता है नैना को संतोष ने मना कर दिया है अपने घर आने से क्योंकि नैना आ रही है ये उसकी गर्लफ्रेंड को पता चल गया था इसलिए वो संतोष को बहुत कोटती भी है अब नैना रात में कहा जाती है उसके पास कोई दूसरा ठिकाना तो था नहीं तो यहाँ अभिजीत नैना का काफी मजाक भी उड़ाता है लेकिन वो उसे इस तरह नहीं छोड़ सकता था इसलिए वो नैना को कार में बिठा के रखता है इतनी रात में इनके पास कोई जगह नहीं होती तो अभिजीत कहता है कि शहर के बाहर मेरे एक दोस्त का फ्लैट है जिसमें वो अकेला रहता है हम सुबह तक वहां रुक सकते हैं नैना बताती हूँ कि जानते हो मैंने दो और टिकट बुक की थी एक अपने लिए और एक तुम्हारे लिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ भागना चाहती थी बाकी जो सब मैंने किया और कहा वो बस तुम्हें जलाने के लिए था और फिर वो अभिजीत से चिपक कर बैठ जाती है फिर इनकी कार बंद पड़ जाती है बीच रास्ते में तो कुछ देर अभिजीत एक जगह गाड़ी ठंडी होने के लिए रोक देता है यहाँ नैना कुछ पपीज को देखती है तो उन्हें साथ में लेने की जिद भी करने लग जाती है अभिजीत बताता है कि इनकी माँ खाना लेने गई होगी वो कुछ देर में आ जाएंगी क्योंकि माँ अपने बच्चों के लिए वापस जरूर आती है छोड़कर तो पिता जाते हैं इतना कहकर अभिजीत रोने लग जाता है जिससे नैना भी थोड़ा इमोशनल हो जाती है अब गाड़ी ठंडी पड़ गई थी तो नैना और अभिजीत आगे बढ़ते हैं इनकी गाड़ी डीजल पर चलती है तो उसे भरवाने के लिए ये पंप पर पहुंचते हैं उसी दौरान नैना फ्रेश होने के लिए जाती है तभी अभिजीत उसके पर्स में प्रोटेक्शन के यूज पैकेट देखता है जिसे देख वो उदास हो जाता है पर यहाँ पेट्रोल पंप वाले ने बिना गाड़ी को देखे हुए उसमें पेट्रोल डाल दिया अब ये बात पता चलती है अभिजीत की उससे लड़ाई हो जाती है फिर नैना भी अभिजीत को सुना देती है कि तुम चुप नहीं रह सकते क्या फिर अभिजीत जल्दी से अरुण को कॉल करके बताता है अरुण कहता है कि देखो पास में मेरा कजन शिन रहता है मैं उसे भेजता हूँ वो तुम्हें पहुंचा देगा जहाँ तुम लोगों को जाना है अब बारिश हो रही थी उसके होने के बाद भी वहाँ शिन आ जाता है अभिजीत ने तो सोचा था वो कार लेकर आएगा लेकिन वो बाइक लेकर आया होता है मतलब अब इन्हें ट्रिपलिंग करके जाना होगा फिलहाल मजबूरी थी तो नैना अभिजीत के साथ बैठ जाती है फिर ये तीनों एक जगह चाय पीने के लिए रुकते हैं जहां अभिजीत देखता है कि नैना शाफिक से चैटिंग कर रही है यहाँ उससे रहा नहीं जाता और वो नैना को काफी उल्टा सीधा बोल देता है उसने जो प्रोटेक्शन यूज पॉकेट्स देखे थे नैना के पर्स में उसको लेकर भी वो उसको सुनाता है तो तुमने शाफिक के साथ भी सब कुछ कर लिया है ना और इस बात को सुनकर नैना पूरी तरह टूट जाती है और कहती है मैं ही पागल थी जो तुम्हारे ऊपर विश्वास करके यहाँ पर आई और तुम अब भी नहीं बदले इतना कहकर नैना अभिजीत के स्लीपर को उतारने के साथ ही अपना सामान लेकर चली जाती है अभिजीत उसे रोकता है और शिन से कहता है कि हमें वापस नैना को उसके घर छोड़ने के लिए जाना ही होगा फिर नैना को बिठाकर ये लोग वापस मुड़ते हैं जहाँ रास्ते में इन्हें ट्रिपलिंग करने पर पुलिस रोक लेती है जिस पर अभिजीत बोल देता है कि नैना को गाड़ी छूट गई है तो हम उसे वापस घर लेकर जा रहे हैं इस पर पुलिस उन्हें छोड़ देती है और बाइक अब अभिजीत चलाता है फिर सुबह होने तक ये लोग नैना के घर पहुंच जाते हैं जहां पर जाने से पहले नैना कहती है कि जानते हो वो प्रोटेक्शन तब की थी जब हम लास्ट वारंटी मेट हुए थे और मैंने उसे तुम्हारी याद के तौर पर रखा हुआ था अभिजीत इस बात को अच्छे से जानता था पर वो ये भी जानता था कि वो कुछ कमाता तो है नहीं इसलिए नैना को उसके साथ नहीं होना चाहिए इसलिए उसने जान बुझ कर नैना से लड़ाई करके उसे वापस घर भेज दिया वो जानता था कि नैना के लिए शाफी ही सही रहेगा क्योंकि वो पैसे वाला है पर जब नैना अभिजीत को छोड़कर जा रही होती है तभी अभिजीत को लगता है कि वो नैना को जाने देकर गलती कर रहा है इसलिए वो नैना से कहता है कि यार चलो हम एयरपोर्ट वापस चलते हैं लेकिन अब नैना उससे कहती है कि हमारा सफर यहीं तक था ये दर्द तुम्हें मिलना जरूरी था शायद अब तुम एक बढ़िया सी कहानी लिख पाओ अब वो अभिजीत से विदा लेकर अपने घर के अंदर चले जाती है इधर उसकी शादी भी हो जाती है और उधर अभिजीत अपनी लव स्टोरी पर एक कहानी लिखता है जिसका एंड उसने हैप्पी रखा था क्योंकि असलियत में शायद हैप्पी एंडिंग नहीं होती लेकिन मूवी में तो दिखाना ही पड़ता है इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय ख्याल रखिए अपना फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग